तो स्टूडेंट ने जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम लोग बात करेंगे कंस्ट्रक्शन पे। तो पहला ट्रायंगल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ट्रायंगल्स हमारा कंस्ट्रक्शन है और इस ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन में जो पहला मेरा टॉपिक है, क्योंकि आज हम बहुत कुछ बात करेंगे इस वीडियो में, जो सारे ट्रायंगल से रिलेटेड चीज़ें होंगी, कंस्ट्रक्शन जो उसको बनाना, किस तरीके से हम एक ट्रायंगल्स बनाते हैं, उन सब बातों पर डिस्कस किया जाएगा और किस तरीके से हम उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, किस तरीके से हम बना सकते हैं, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। जिनमें कि पहला हमारा है, आप ट्रायंगल्स देख सकते हैं, उस ट्रायंगल में टू कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल व्हेन द लेंथ ऑफ इट्स साइड इज 4.5 सेंटीमीटर। यानी आप देखेंगे कि अगर हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है जबकि उसकी साइड गिवन हो। देखिए, इस वीडियो में पहला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ही हम बना रहे हैं, लेकिन इस इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में उसके साइड जब गिवन होते हैं, ये कई तरीका होता है बनाने का, जिनमें कि पहला तरीका हम जो देख रहे हैं इस वीडियो में, वो पहला हमारा है कि जब हमारे पास साइड उसके दिए होते हैं तो हम उस साइड को कैसे बना सकते हैं। सबसे पहली बात, आप जो है इस 4 पॉइंट जितने भी ये लेंथ दिया होगा, इस लेंथ में उस लेंथ को लेकर के सबसे पहले इसका बेस ड्रॉ करेंगे। आपको पता है कि ट्रायंगल जो होता है उसमें 3 साइड्स लिए जाते हैं, तो सबसे पहला काम हमारा होगा 3.5 का हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, सॉरी 4.5 का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 4.5 का हमारा जो होगा वो यहाँ पर हम जो है पहले इंडिकेट करेंगे और इसके बाद में हम इसको इसके लाइन सेगमेंट हम जो है यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि पहला हमने जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, ठीक है, क्योंकि 3 साइड्स हैं तो लाइन भी इसमें कितने बनेंगी, लाइन जो साइड्स इसके होते हैं ट्रायंगल्स में वो 3 साइड्स बनेंगी। तो पहला हम जो देख रहे हैं वो 4.5 का, ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर का हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। अब हम अपने स्केल में भी 4.5 ले लेंगे। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो है ये 4 है और ये 4.5 है, जिसको हमने यहाँ पर मेजर भी कर सकते हैं कि हमारा ये है या नहीं है। मैंने पहले से ले रखा था, ठीक है, पहले से मैं ले रखा था तो इसीलिए मुझे 4.5 मिलेंगे। अब हम क्या काम करेंगे, जो हमारे पास ये पॉइंट्स मिले हैं, क्योंकि हमें पता है कि 2 इंड पॉइंट होता है किसी भी लाइन सेगमेंट में, तो हम 4.5 का लेकर के एक अर्क यहाँ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, हम एक अर्क ड्रॉ कर लेंगे, एक चाप लगा लेंगे और इसके बाद में 4.5 का ही सेम रेडियस, ठीक है, सेम रेडियस लेंगे, लेकिन अब हम दूसरे पॉइंट पर रख करके, ठीक है, जो हमारा दूसरा एंड पॉइंट होगा उसको हम सेंटर मान करके और यहाँ से हम एक आर्क लगा लेंगे। और पहला वाला जो आप देख सकते हैं कि पहला वाला हम लोगों ने यहाँ पर है ना फर्स्ट वाले आर्क को लगाया था, तो वो एक दूसरे को पॉइंट जिस पॉइंट पर कट करेंगे उस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं सी, ठीक है, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। तो हमने दूसरे वाले तीसरे वाले पॉइंट को जो दिया, ठीक है, जो वो कट कर रहा था उसका नाम दे दिया सी। अब इसके बाद में जो काम किया जाएगा वो इन पॉइंट्स को जो अभी आपको मिले हैं उसको हम ज्वाइन कर देंगे। किससे ज्वाइन कर दिया जाएगा, ए से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, इन पॉइंट्स को ए और बी से ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होगा वो आपका कितनी आसानी से वो बन सकता है, ठीक है। जब ये आपके कंडीशन तब अप्लाई हुए जब हमारे पास साइड्स गिवेन थी, ठीक है। अब इसके बाद में कुछ ऐसे भी ट्रायंगल्स होंगे जिसमें और भी बातें दी होगी, हो सकता है कि एल्टीट्यूड दिया गया हो, तो उन सब पर भी हम डिस्कस करेंगे। आइए अब हम देखते हैं अगले कंस्ट्रक्शन को। तो स्टूडेंट, अब दूसरा वाला जो हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, उसमें हमें जो इसमें कंस्ट्रक्शन करना है, यहाँ कह रहा है टू कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल वन ऑफ हुज एल्टीट्यूड इज 6 सेंटीमीटर। देखिए, इस बार इस ट्रायंगल में आपके एल्टीट्यूड ही सिर्फ दिए गए हैं, यहाँ पर साइड दिया ही नहीं गया है। आपको इस एल्टीट्यूड से, जो एल्टीट्यूड गिवेन है, इस एल्टीट्यूड के गिवेन जो दिए गए हैं उससे आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। तो ऐसे ट्रायंगल्स को बनाने के लिए सबसे पहले हम कोई भी, ठीक है, कोई भी एक लाइन सेगमेंट एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, लाइन हमने कहा है ड्रॉ करने के लिए, तो इसमें आपको पता है कि लेंथ जो होता है वो लेंथ फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है। हमने ये इस तरीके से कोई एक लाइन ड्रॉ कर लिया जिसका नाम हमने कुछ दे सकते हैं, कुछ हम नाम दे दिए, मान लीजिए हमने इसका नाम दे दिया P और Q,
क्यों? प्योर क्यों नाम दे दिया। अब इसके बाद में आपको एक पॉइंट यहां पर लेना है कहीं पर भी, ठीक है, आप कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए, क्योंकि एल्टीट्यूड दिया गया है, एल्टीट्यूड हमेशा आपको पता है कि जो होता है वो उस ट्रैंगल से, इक्विलेटर ट्रैंगल है तो मिडिल में ही आएगा, तो कोशिश करें इसका मिड पॉइंट निकालने के लिए। तो यहां से हम पहले से कोई एक पॉइंट मान लेते हैं जिसका नाम हमने क्या दे दिया, डी दे दिया। हम पहले से ही एक पॉइंट मान लेंगे, डी दे देंगे। अब हम जो काम करेंगे वो इसको क्या काम करेंगे, देखिए पॉइंट ले लिया है तो यहां से एल्टीट्यूड आपको पता है कि 90 डिग्री पर गिरता है, ठीक है, 90 का बनता है। तो हम एक सबसे पहले सेमी सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। देखिए सेमी सर्किल जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, वो सेमी सर्किल ड्रॉ करने का सीधा सा मतलब है मैं यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच रहा हूं, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन जो यहां से खींचा जाता है। तो आपको पता है कि इस तरीके से 90 का एंगल जो बनाया जाएगा, ठीक है, अब जो पॉइंट दोनों इस सेमी सर्किल पे ड्रॉ हुए हैं उस वहां से हम लेकर के, ठीक है, उस लाइन पर जो कट किए हैं ये सेमी सर्किल, उस पॉइंट पर रख करके और बारी बारी से एक आर्क लगा लेंगे जो इस सेमी सर्किल को कट करेगा। अब सेमी सर्किल पर जहां ये कट किए हैं वहां से एक आर्क हम जो है ऊपर की तरफ लगाएंगे और दूसरे वाले पॉइंट से भी हम लोग आर्क लगाएंगे। अब जो ये मिलेगा, ठीक है, इसको हम ज्वाइन अगर करते हैं, यहां हम इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, ये इसको ज्वाइन कर दिया जाएगा। अब ज्वाइन कर दिया गया, अब ज्वाइन जो किया गया है ये आप देखेंगे, ठीक है, ये हमने मान लीजिए डैश लाइन से हमने इसको ज्वाइन कर दिया, तो जो ये ज्वाइन हुआ है, ठीक है, ये इसका लेंथ नहीं दिया गया है। अब मुझे जो होगा वो 6 सेंटीमीटर का लेंथ लेकर के इसको हम लोग कट कर लेंगे। तो देखेंगे 6 सेंटीमीटर का आर्क जो होगा वो हम स्केल से यहाँ पर ले लेंगे, कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पर उसके लेंथ को ले लेते हैं जो कि 6 सेंटीमीटर ही आपको लेना है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। 6 सेंटीमीटर आर्क आपका ये यहाँ से ले लिया जाएगा, देखिए 6 सेंटीमीटर का आर्क जो है वो यहाँ से ले लिया गया। यहाँ डी पॉइंट जो था उससे हम कट कर देंगे इस हमने जो भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है, जो हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है उस परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग क्या करेंगे, जो 6 सेंटीमीटर का लेकर के और कट कर लेंगे। अब 6 सेंटीमीटर का जब यहाँ कट हो जाएगा तब इसके बाद जो हमारा काम होगा, ठीक है, जब हमारा काम अब स्टार्ट होगा, यहाँ से जो 6 सेंटीमीटर रखा गया है इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे ए, ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे दिया जाएगा ए। अब ए से रख करके हम यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का, सॉरी 6 सेंटीमीटर नहीं, 6 डिग्री, 30 डिग्री का सबसे पहला काम जो बनेगा वो 60 का बनेगा। तो हम 30 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे कुछ इस तरीके से रख करके, आप देख सकते हैं यहाँ से रख करके जब आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये पहला आपको पता है कि 70 सेंटीमीटर का बनाने के लिए सबसे पहले काम ये किया जाएगा, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पर इस कुछ इस तरीके से एक 70 का बनाएंगे। अब इसके बाद में जो यहाँ पॉइंट से रख करके इस लाइन पर, क्योंकि हम जो ले रहे थे वो सेंटर इसको ले रहे थे ए, तो सेमी सर्किल ड्रॉ किया गया और सेमी सर्किल से ड्रॉ करने के बाद में हम यहां से जो पहला पॉइंट लगाएंगे वो कितने का आ जाएगा, 60 का आ जाएगा। अब 60 का हमें हाफ करना पड़ेगा क्योंकि 30, देखिए एल्टीट्यूड जो होता है वो 90 का यहां बनेगा, 90 का तो इस पॉइंट पे बनेगा, लेकिन सभी सिंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होते हैं वो कितने के बन जाते हैं आपके, 30 के बनते हैं। इसलिए एक तरफ हम सॉरी 60 के बनते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी एंगल, एक तरफ हम 30 का बनाएंगे और दूसरी तरफ भी हम 30 का बनाएंगे, क्योंकि हाफ पार्ट है, मीडी वो बाइसेक्ट भी कर जाता है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में एल्टीट्यूड जो होता है बाइसेक्ट भी करता है उसको, एंगल को भी और साइड को भी। तो यहां पर हम 30 का एंगल बनाएंगे और 30 का एंगल बनाने के लिए अब 60 के एंगल को क्या किया जाएगा, हाफ किया जाएगा। तो देखेंगे कुछ इस तरीके से हम लोग यहां पर रख करके और इन पॉइंट्स पर रख करके, ठीक है, यहां पे, और अब हम क्या करेंगे इसको ज्वाइन कर देंगे। देखिए अभी पॉइंट नहीं कट कर रहे हैं, जो हमने पहला पॉइंट लिया था अभी वो कट ही नहीं कर रहा, तो उसको हम फिर से एक बार दोबारा से जो देखेंगे उसको बढ़ा देंगे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं जो हमारा कट कर रहा है पॉइंट वो आपका ये है और इसको ज्वाइन कर दिया जाएगा। अब जो है उसको ए पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट से जाते हुए, ठीक है, इस पॉइंट से जाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो सीधा ड्रॉ करेंगे और ये जाएगा उस ट्रायंगल का जिसका नाम दे देंगे हम लोग बी, ये उस ट्रायंगल में जाएगा। सिमिलर जो हमने यहाँ पर 30 का एंगल क्रिएट किया है इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर 60 का भी एंगल क्रिएट कर लेंगे, या अगर आप चाहें तो दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं, इस जितनी ये लाइन दी गई है उतनी लाइन का आप इसमें ड्रॉ कर लें, देख लें कि कहाँ तक जाएगा, लेकिन नहीं हम लोग 30 का एंगल फिर से यहाँ ड्रॉ करेंगे। तो फिर से यही काम जो होगा वो पहला काम जो होगा वो 60 के एंगल के लिए होगा, जो ये पॉइंट आया है इस पॉइंट को कट करते हुए यहाँ बनाएंगे तो 60 का बन जाता है। मुझे 60 का बनाना नहीं, 30 का बनाना है, तो मैं एक लाइन मैं आर्क यहाँ पर लगाऊंगा और जो ये 60 के लिए आप
आपको पता है कि 60 का जो एंगल क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, तो उस पर रख करके और यहाँ पर हम उसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये कितने का बन रहा था, 60 का बन रहा था। जैसे ही हमने बाइसेक्ट किया, ये पॉइंट एक दूसरे को अर्क जो लगाया वो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे थे इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को ए से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, इस पॉइंट को ए से ज्वाइन कर देंगे और दूसरी तरफ बढ़ा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ए को ज्वाइन कर दिया गया इस पॉइंट से और दूसरी तरफ इसको बढ़ा दिया गया, ठीक है, दूसरी तरफ बढ़ा दिया गया, और देख सकते हैं कि ये ट्राइंगल कितने का है, ये आपका सी बन जाएगा। जो इस तरीके से ट्रायंगल एबीसी आपका बना है, ये ट्रायंगल एबीसी जो बना है वो क्या बना है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बना है। ट्रायंगल एबीसी आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही मिल जाएंगे। आइए अब अगले कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। देखिए अब जो हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, आइसो, इस बार अभी तक हम इक्विलेटरल पे बात कर रहे थे, इस बार जो दिया गया है वो आपका आइसोसेलस ट्रायंगल दिया गया है, और आइसोसेलस ट्रायंगल आपको पता है कि इसमें कोई दो साइड इक्वल होते हैं तो बेस वाला हम कह देंगे अनइक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले बात, यहाँ जो बेस साइड दिया गया है वो 5 सेंटीमीटर का दिया गया है, और हम 5 सेंटीमीटर का क्या कर लेंगे, एक बेस ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का आप ड्रॉ कर लीजिए। ये देखें कुछ 5 सेंटीमीटर आपका यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर यहाँ ड्रॉ कर लिया गया। 5 सेंटीमीटर का नाम जो दिया गया है वो बी सी दिया गया है, ठीक है, बी सी यहाँ पर दे दिया गया है, और इसके परपेंडिकुलर जो है लाइन दी गई है, परपेंडिकुलर लाइन दिया गया है। आपको पता है कि परपेंडिकुलर लाइन जो होता है वो क्या करता है भाई, 90 का ही एंगल बनाता है, लेकिन इस बार गिवन है, ये 5 सेंटीमीटर इस बार गिवन है। तो जब ये 5 सेंटीमीटर दिया गया है, गिवन है, एक लाइन सेगमेंट लिया गया, इसको आप बाइसेक्ट कर लेंगे तो इसका मिड पॉइंट मिल जाएगा। आइसोसेलस ट्रायंगल में भी जो एंगल आता है, गिरता है, वो भी कितने का बनता है, 90 का। तो सबसे पहला काम हमारा होगा वो इसको हम बाइसेक्ट कर लेंगे मोर देन हाफ रेडियस लेकर के ऊपर की तरफ, और ऐसे ही एक नीचे की तरफ हम क्या लगा देंगे, अर्क लगा देंगे। तो कुछ इस तरीके से आपका अर्क हो जाएगा। अब ऐसे हमने जिस तरीके से बी पर लिया था वही काम हम, सॉरी सी पर लिया था वही काम अब हम बी पर रख करके करेंगे। आप देखेंगे कि ये दोनों पॉइंट जहाँ कट हो रहे हैं, ठीक है, ये कट हो रहे हैं, इसको हम ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन कर दिया जाएगा कुछ इस तरीके से, हम इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो अब ज्वाइन कर दिया गया, देखिए ज्वाइन करने पर क्या मिला आपको, आपको ज्वाइन करने पर जो मिल गया है इसका, वो मिल गया है क्या, एल्टीट्यूड मिल जाएगा यहाँ से, या परपेंडिकुलर लाइन। तो देखिए यहाँ पर ये कट हुआ है, अब इस लाइन को जो होगा वो प्रोड्यूस कर दिया जाएगा, इस लाइन को हम लोग प्रोड्यूस कर लेंगे, इन कहीं तक भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन मुझे 6 सेंटीमीटर लेना है तो हम कुछ और दूर तक इसको हम प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है, यहाँ एक एक साइड हम इसको प्रोड्यूस कर देंगे। अब हम अपने इस कंपास में जो होगा वो 6 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के, कुछ 6 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के, और एक आर्क लगाएंगे, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर लाइन जो कह रहा है वो कितने का कह रहा है, परपेंडिकुलर लाइन आपका 6 सेंटीमीटर कह रहा है। तो हम 6 सेंटीमीटर यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट हम यहाँ पे अपने कंपास में ले लेंगे। तो कंपास में हमने जैसे ही ले लिया, हमने कुछ नाम दे देंगे, अभी जिस पॉइंट पे हमने रखा है ये रेडियस, अभी उसको नाम दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो कट करेंगे, वो क्या होगा, देखिए ए हो गया, इसका नाम दे दिया गया, जो पॉइंट था उसका नाम डी दे दिया गया। अब मैंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि इसने कहा है कि वर्टेक्स ए से ही आपको अपना ड्रॉ करना है, ठीक है, जो आइसोसेलस ट्रायंगल बनाना है वो वर्टेक्स ए से बनाना है, जिसकी परपेंडिकुलर दूरी 6 सेंटीमीटर होगी। तो हम यहाँ पर कट कर लेंगे, जो पॉइंट ए मिला है उसको ए से, ए को बी से ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट को ए को बी से कुछ इस तरीके से हम लोग ज्वाइन कर देंगे, और सिमिलर भी यहाँ हम इसको सी से भी ज्वाइन कर देंगे, और हम देखेंगे कि एक आइसोसेलस ट्रायंगल बन गया है, ठीक है, इस तरीके से कुछ आइसोसेलस ट्रायंगल आपका बन जाएगा। जबकि आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपका आइसोसेलस ट्रायंगल बन जाएगा, क्लियर। अब आएंगे हम लोग अगले कंस्ट्रक्शन की तरफ, जो आइसोसेलस से ही रिलेशन होगा, रिलेट करेगा आइसोसेलस को ही, तो आइए देखते हैं। तो अब देख सकते हैं कि इस बार हमारा जो है कंस्ट्रक्शन नंबर 4 हमने जो रखा है वो एक आइसोसेलस ट्रायंगल ही है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज जिसको हम लोग कहते हैं, जो कि उसका बेस दिया गया है 6 सेंटीमीटर, और जो बेस के एंगल्स हैं वो 45 डिग्री के दिए हैं। आपको पता है आइसोसेलस ट्रायंगल जो होता है उसमें दो साइड्स इक्वल होते हैं, और दोनों जहां एंगल जो बेस साइड पर मिलते हैं वो बेस एंगल बनाते हैं, जो कि 45 का दिया गया है। तो हम लोग जो बेस साइड दिया गया है 6 सेंटीमीटर, सबसे पहले 6 सेंटीमीटर हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे
कुछ इस तरीके से हम लोग 6 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ एक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, जिसका नाम भी दे दिया जाएगा। इसमें कुछ ट्रेंगल का नाम नहीं है, तो हम लोग यहाँ नाम दे देंगे ए और बी। ए और बी जो होगा वो आपका 6 सेंटीमीटर का दिया गया है। अब कह रहा है कि जो एंगल आपको लेना है 45 का लेना है। देखिए काम आप कंस्ट्रक्शन से कर रहे हैं तो हम प्रोटेक्टर तो यूज नहीं करेंगे, तो हम काम करेंगे 45 का एंगल बना लेते हैं। तो 45 का एंगल बनाने के लिए आपको पता है कि 90 को बाइसेक्ट किया जाएगा। 90 को बाइसेक्ट करके ही 45 का बनाया जा सकता है। तो जो पहला अर्क लगेगा, देखिए हम बी पर बना रहे हैं, ए पर भी बना सकते हैं, पहला जो अर्क लगेगा वो सेमी सर्कल की तरीके से होगा। फिर हम जो होगा वो जो अर्क लगा है, ठीक है, इस पर रख करके हम पॉइंट जो लेकर के एक अर्क लगाएंगे। अगला यहाँ पर रख करके जो इस अर्क को काटा है सेमी सर्कल की अर्क को, फिर से एक लगाएंगे एक अर्क, ठीक है। अब देखेंगे एक अर्क यहाँ लगाएंगे, तो ये अर्क यहाँ लगाया जाएगा। फिर यही काम हम जो ऊपर कर लेंगे, क्योंकि पता है कि 90 का मुझे एक एंगल बनाना है, तो हम कुछ इस तरीके से ही काम करते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट बाइसेक्ट हो गए ये 90 के एंगल बनेंगे। सिमिलर हम यहाँ भी, ठीक है, सिमिलर हम यहाँ भी। देखिए रेडियस आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन सेम रेडियस ही रखा जाएगा। एक आपका सेमी सर्कल ऐसे ड्रा हो जाएगा, और इस सेमी सर्कल से, ठीक है, इस सेमी सर्कल से जो ये पॉइंट कट किया है लाइन को, ठीक है, बेस साइड को, उसको हम पहला कट करेंगे तो 60 का बनता है, दूसरा जब कट किया जाता है तो 120 का बनता है। फिर इसके बाद में 120 और 60 का अगर हाफ कर लेते हैं, 120 और इस 60 का अगर हाफ कर लिया जाता है तो 90 का बनता है। मुझे तो बनाना है कितने का, मुझे बनाना है 45 का। लेकिन एक बार जो हम काम करेंगे कुछ इस तरीके से, पहले हम 90 के दिखा देंगे कि 90 कहाँ बनेगा। क्योंकि देखिए 90 जब तक आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तब तक आप 45 भी ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 90 का बाइसेक्ट ही आपको करना है, ठीक है। 90 का आपको बाइसेक्ट करना है, तो आपको जो काम करना पड़ेगा, पहले 90 को क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला कंस्ट्रक्शन जो हमारा होगा वो 90 के बनाने का होगा। 90 का बन गया। अब इसके बाद में इसको बाइसेक्ट करना है, तो आपको पता है कि बाइसेक्ट जो होता है वो मोर देन रेडियस लेकर के, ठीक है, मोर देन रेडियस लेकर के। अब इन्हीं को बाइसेक्ट करना है, तो इसको बाइसेक्ट करने के लिए चाहे हम सेम दूरी ले लें, ठीक है, हम सेम दूरी भी ले सकते हैं, या हम जो होगा वो कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो एक अर्क हम जो यहाँ लेंगे, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से लगेगा, और फिर इसके बाद में जो 90 का बना है उसको हाफ कर लेंगे, ये पहला साइड हो जाएगा। और सिमिलर हम दूसरे साइड से भी ऐसा ही काम कर लेंगे, दूसरी साइड से भी हम ऐसा काम कर लेंगे। तो देखेंगे पहला पॉइंट यहाँ लग गया है, और दूसरा जो 90 को बाइसेक्ट कर रहे, तो भैया एक जीरो से स्टार्ट होता है, दूसरा 90 से स्टार्ट होता है, तो यह देखिए बाइसेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये जो बाइसेक्ट हो गया, ये पॉइंट मिला है ए के लिए, ए के साथ में मिला है, और ये पॉइंट आपको जो मिला है वो बी के साथ में मिला है, जब आपने बी को जो एंगल ड्रॉ किया है उससे मिला है। अब काम जो आपका होगा, ठीक है, इन लाइन को हम बढ़ाएंगे, इन लाइन को ज्वाइन करके और बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, ज्वाइन करके और बढ़ा दिया जाएगा। तो आप देखें यहाँ इस लाइन को, इन पॉइंट्स को ए से और बी से ज्वाइन कर दिया गया, ठीक है, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक, ये ज्वाइन कर दिया गया कुछ इस तरीके से, और इस वाले पॉइंट को भी जो पहले बी को 9 बाइसेक्ट किया था वो, उसको भी हम ज्वाइन करके आगे प्रोड्यूस कर देंगे। देखिए ये ज्वाइन हुआ और ये प्रोड्यूस हो गया। अब जब ये दोनों जिस पॉइंट पर जाकर के इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पर जाकर के इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट क्या रख दिया जाएगा, मान लीजिए हमने सी दे दिया, ठीक है, सी दे दिया। तो जब आपके पास इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे, ये तरीका, ये मेथड तब यूज होगा जब आपके पास एक एंगल दिया गया हो और उसके बेस एंगल भी दिए गए हों, ठीक है, बेस एंगल दिया गया हो। तो जो ये बन के निकल जाएगा वो क्या निकलेगा, आइसोसेलस ट्रायंगल होगा, और कुछ इस तरीके से उसका कंस्ट्रक्शन होगा। आगे हमारा जो होगा वो कंस्ट्रक्शन 5 होगा, उसको भी देखते हैं। तो आप देखें क्वेश्चन, हम 5 की जो बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन 5 की जो बात कर रहे हैं, वो आइसोसेलस ट्रायंगल ही बनाना है। तो स्टूडेंट ये हम जो कर रहे हैं, ठीक है, वो 5 हमारा कंस्ट्रक्शन है, जिसमें कि आइसोसेलस ट्रायंगल ही बनाना है आपको। और इस आइसोसेलस ट्रायंगल में आपके जो बेस साइड दिए गए हैं वो 8 सेंटीमीटर हैं, जबकि इक्वल साइड आपका 9 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सबसे पहला काम जो होगा वो आपको बेस साइड ड्रॉ करना होगा। हम बेस साइड को 8 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। आप देख सकते हैं कि 8 सेंटीमीटर हम लोग जो ड्रॉ करेंगे वो यहाँ से स्टार्ट है, ये आपका 8 है और ये आपका 0 है, तो 0 से 8 ही आपको लाइन ड्रॉ किया जाएगा। और कुछ इस तरीके से
ये 8 सेंटीमीटर ड्रॉ हो गया, ठीक है, 8 सेंटीमीटर ड्रॉ हो गया, इसका नाम हमने दे दिया BC। और आप देख सकते हैं BC आपका 8 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको देखिए इसमें इक्वल साइड्स यानी अभी तक जो एंगल्स वगैरह दिए थे, लेकिन इस बार आइसोसेलस ट्रायंगल बनाने में सिर्फ हमारे पास बेस और इक्वल साइड दिया गया, मतलब इस बार एंगल का कोई काम नहीं है। तो काम जो इसमें आपको किया जाएगा वो क्या करेंगे, अब हमारे पास जो इक्वल साइड्स दिए गए, जब हमने बेस साइड को ड्रॉ कर लिया तो हमारे पास जो इक्वल साइड्स हैं उसको ले लिया जाएगा, और हम इक्वल साइड जो है वो इस जो हमारा होगा वो स्केल है, स्केल के माध्यम से हम लोग 9 सेंटीमीटर ले सकते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो 9 सेंटीमीटर है ये हमने ले रखा है, ये हमारा 9 सेंटीमीटर है। तो 9 सेंटीमीटर की दूरी जो ले लिया गया वो क्या कर लिया जाएगा, अब पॉइंट बी से रख करके हम बी पर अपना सेंटर रखेंगे और रेडियस हमने 9 ले लिया है, तो यहाँ ड्रॉ कर लेंगे, एक हमारा आर्क ड्रॉ हो जाएगा। सिमिलर हम सी से भी रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे, जो हम देखेंगे प्रीवियस आर्क को कट कर रहा था, और जहां पर वो प्रीवियस आर्क को कट कर रहा था उसका नाम दे दिया जाएगा ए, उसका नाम ए दे दिया गया। अब ए को हम ज्वाइन कर देंगे किससे, बी से और सी से, तो हम देखेंगे कुछ इस तरीके से हमारा ट्रायंगल एक बन जाएगा, आइसोसेलस ट्रायंगल। देखिए ये ज्वाइन कर दिया गया, ये जब ज्वाइन कर दिया जाएगा, देखें ये आपका ज्वाइन कर दिया गया, और ये इस तरीके से एक आइसोसेलस ट्रायंगल बन जाएगा, जबकि उसके साइड्स और बेस साइड भी दिया गया हो, ठीक है, बेस साइड और सभी साइड्स दिए गए हैं। तो हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, हमारा हो जाएगा आइसोसेलस ट्रायंगल का। अब हम अगले कुछ कंस्ट्रक्शन को भी देखते हैं। स्टूडेंट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कंस्ट्रक्शन 6 हमारा जो कह रहा है, एक आपको आइसोसेलस ट्रायंगल बनाने हैं जिसकी इस बार पैरामीटर दिए गए हैं, अभी तक साइड्स दिया था, एंगल दिया था, इस बार उसके पैरामीटर दिए गए हैं जो कि 10 सेंटीमीटर उसका पैरामीटर है, पैरामीटर उसका 10 सेंटीमीटर है, और कह रहा है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स ए, यानी कि परपेंडिकुलर लाइन जो दी गई है, जो लंबवत लाइन दी गई है वर्टेक्स ए से, वो आपका 2.1 सेंटीमीटर है। तो जब इस तरीके से आपको कंस्ट्रक्ट करना है, एक बनाना है ट्रायंगल, तो काम करेंगे हम लोग, देखेंगे क्या काम किया जाएगा इसमें। सबसे पहले ये जो हम इनके पैरीमीटर दिए गए हैं, 10 सेंटीमीटर का जो पैरीमीटर दिया गया है, उस 10 सेंटीमीटर के पैरीमीटर को हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। इट मीन्स हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कितने का होगा, 10 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लिया जाएगा, कुछ भी नाम इसका दे सकते हैं, एक्स वाई, हमने ये 10 सेंटीमीटर का क्या कर लिया, एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब इसको ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है, देखिए कैसे ज्वाइन करेंगे, लेकिन आपको सबसे पहला काम जो होगा वो एक जो इसका परपेंडिकुलर लाइन दिया गया 2.1 ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, कैसे ड्रॉ करेंगे, मोर देन हाफ ऑफ रेडियस लेकर के इस पॉइंट एक्स से, ठीक है, यहाँ एक्स से लेकर के मोर देन हाफ ऑफ रेडियस लेकर के एक ऊपर की तरफ आर्क लगाया जाएगा, ठीक है, और एक नीचे की तरफ इस लाइन एक्स वाई से लगाया जाएगा। फिर यही काम हम लोग यक्स से करेंगे, ऊपर और एक नीचे, जहाँ ये कट कर रहा है इसको ज्वाइन कर देंगे, जो ये कट कर रहे हैं पॉइंट, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो देखें कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, ये आपका जो होगा वो ज्वाइन कर दिया गया। इससे क्या मिला आपको, यहाँ जो मिला है वो परपेंडिकुलर लाइन मिल जाएगी। अब परपेंडिकुलर लाइन आपको लेना है 2.1 का, तो हम लोग अपने इस स्केल के माध्यम से और कंपास में 2.1 की लाइन ले लेंगे, ठीक है, कंपास में जो लेंथ लिया जाएगा वो 2.1 का ले लिया जाएगा। तो हम लोग देखेंगे ये हमने कुछ 2.1 का इसका कम जो है लेंथ ले लिया है, ठीक है, 2.1 का, और इस पॉइंट से जो ये कट किया है इसका नाम हम अभी कुछ दे देंगे, डी नाम दे दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ से रख करके और एक क्या लगाएंगे, एक हम लोग आर्क लगाएंगे, ठीक है, ये पॉइंट हमने डी दिया था, इसका नाम हमने जो दिया है वो ए दिया है, ठीक है, इस पॉइंट ए से हम इसको मिला देंगे, ठीक है, ये जो ए है इसको एक्स और वाई से आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट को एक्स से, ये जो अभी मिला है आपको इसको हम लोग एक्स से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा क्या एक्स से ज्वाइन कर देने के बाद में पेरीमीटर सेम मिल जाएगा, नहीं, अभी वो पेरीमीटर के आपको, अभी उस पेरीमीटर के आपको ट्रायंगल नहीं मिले हैं, ठीक है, ये ट्रायंगल जो आपको मिला है, ये ट्रायंगल आपको जो मिला है वो अभी
उन टोटल पार्ट्स को लिया गया है। अभी इसमें आपको और भी काम करना है, इतने से आपको नहीं हुआ है, ठीक है? ये कुछ इस तरीके से होगा। अब हमें जो पेरीमीटर देखिए, अगर हम लेंगे तो ज्यादा नहीं हो जाएगा, 10 तो यही है, ये ट्रेंगल नहीं बनेगा। जो आपको रिक्वायर्ड ट्रेंगल है वो ट्रेंगल अभी नहीं बन रहा है। अब काम करेंगे आप लोग, यहां से ये जो एक्स और ए एक्स लाइन है इसको भी आप बाइसेक्ट कर लेंगे, ठीक है? ए एक्स वाले को बाइसेक्ट कर लेंगे, तो पहले ए से रख करके मोर देन हाफ ऑफ रेडियस लेकर के, ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ रेडियस लेकर के हम एक यहां पर अर्क लगाएंगे। देखिए इस लाइन के दोनों तरफ क्या लगा दिया जाएगा, एक अर्क लगा दिया जाएगा, ठीक है? यहां भी एक अर्क लगा देते हैं, फिर एक्स से रख करके अर्क लगाया जाएगा, ठीक है? एक्स से रख करके यहां लगाया गया, कट किया और इसको लगाया गया। देखिए हमने इसको छोटा कर रखा है, तो थोड़ा सा इसको हम लोग लाइन लेंथ को इसको बढ़ा देंगे, ठीक है? तो देखिए थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। अब जो ये इस लाइन को कट करने के बाद मिले हैं, ए और एक्स को कट करने के बाद में जो ये इंटरसेक्ट पॉइंट मिले हैं, ठीक है, ये ज्वाइन कर दिया जाएगा। ए और एक्स को जब हम लोग बाइसेक्ट करना चाह रहे थे तो कुछ इस तरीके से क्या मिल रहा था, उसके पॉइंट्स मिल रहे थे, अब इसको ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है? ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो ज्वाइन करने के बाद आप देखिएगा जो यहां ये कट कर रहा है, ठीक है, ये आपके लिए पॉइंट जरूरी है। जो इस ए एक्स को यहां कट कर रहा है इसका नाम हम दे देंगे बी, और ज्वाइन कर दिया जाएगा ए से, बी नाम दे देंगे और ज्वाइन कर दिया जाएगा ए से, ठीक है? ये आप देखेंगे ज्वाइन कर दिया गया। अब यही काम हम ए एक्स को भी बाइसेक्ट करके करेंगे, ठीक है? तो पहले यहां पर ए पर रख करके एक अर्क लगाया जाएगा, ठीक है, ए पर रख करके एक अर्क लगाया जाएगा कुछ इस तरफ, ठीक है, और कुछ दूरी हम लोग यहां भी इस तरफ लगा लेंगे, और दूसरा हम जो लेंगे वो वाई पर रख करके अर्क लगाएंगे, ये और ये जो पॉइंट कट कर रहे हैं आप देखेंगे, ये पॉइंट और ये जो पॉइंट एक दूसरे को अर्क लगाने के बाद में कट कर रहे हैं, इनको ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो ये ज्वाइन हो जाएंगे कुछ इस तरह का, इस तरह से आप देखेंगे, ठीक है? और ज्वाइन जब ये हो जाए, ठीक है, जो ये हम लोग आर्क ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये जब ये ए एक्स यानी एक्स वाई लाइन को ड्रॉ कट कर रहा था जिस पॉइंट पर, उसका नाम सी दे दिया जाएगा। ये ए एक्स एक्स वाई को जब ए वाई बाइसेक्ट किया गया, ठीक है, तो जो पॉइंट्स मिल रहे थे वो किसको कट कर रहे थे, एक्स और वाई को कट कर रहा था, जिस पॉइंट पर कट करेगा उसका नाम सी रखेंगे और उसको ज्वाइन कर दिया जाएगा। किससे, ए से ज्वाइन कर देंगे भैया, ठीक है, ज्वाइन कर दीजिए। तो ज्वाइन कर देंगे ये कुछ इस तरह से, आप देखेंगे ये ज्वाइन हो गया। अब आपके पास जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल हैं वो रिक्वायर्ड ट्राइंगल आपके ये हैं, ठीक है? आप इसको मेजर कर लीजिए, ये ए बी और ये बी सी और ये ए सी, ठीक है? तो जो आपके पास ये ए, ठीक है, ये बी और ये सी जो मिलेगा वो आपके पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल होगा, जो ए बी सी आपका क्वेश्चंस कह रहा था, जो पेरीमीटर दिया गया था। ओके स्टूडेंट, आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं कि हमारा अगला कंस्ट्रक्शन क्या है। तो स्टूडेंट देखिए, ये सातवां आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो कह रहा है आपको राइट ट्राइंगल बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें हाइपोटेन्यूस और एक साइड दिया गया है, जबकि हाइपोटेन्यूस आपका 7 सेंटीमीटर है और एक साइड 4 सेंटीमीटर है। देखें क्या काम करेंगे, सबसे पहले जो हाइपोटेन्यूस दिया गया है, ठीक है, जिसको हम लोग कर्ण जानते हैं, कर्ण जो दिया गया है उसको सबसे पहले ड्रॉ कर लिया जाएगा। तो कर्ण ड्रॉ कर लेते हैं 7 सेंटीमीटर का, ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर का आप एक हाइपोटेन्यूस ड्रॉ कर लेंगे। आपको पता है हाइपोटेन्यूज जो होता है वो किसी भी राइट ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड होता है और 90 के सामने होता है, यानी मुझे यहाँ काम करना पड़ेगा, एक 90 का एंगल बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या काम करेंगे, इसको बाइसेक्ट कर लिया जाएगा। रीजन क्या है अभी आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ बाइसेक्ट कर लिया जाएगा इसको मोर देन हाफ ऑफ रेडियस लेकर के, कुछ ऊपर की तरफ, मोर कुछ भी ले लीजिए आप, ठीक है, यहाँ कुछ भी ले लीजिए, तो ऊपर की तरफ एक और एक नीचे की तरफ, क्योंकि मुझे बाइसेक्ट ड्रॉ करना है, ठीक है। इस लाइन को बाइसेक्ट करने के लिए हम लोग यहां पर कुछ इस तरीके से क्या कर लेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, अर्क ड्रॉ कर लेंगे, और अर्क जो होंगे ये अर्क, ये एक दूसरे को जहां कट करते हैं उसको आप ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आप देखें, ज्वाइन जब कर देंगे तो क्या होगा, इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद में, इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद में इसका नाम ए और बी, ए और सी दे देते हैं, ए सी दे दिया गया। और जब ये ज्वाइन किया हमने इसको बाइसेक्ट किया, तो बाइसेक्ट मैंने इसलिए किया क्योंकि जब बाइसेक्ट करेगा तो क्या बनेगा, 90 का एंगल बनाएगा, और 90 के एंगल के साथ साथ ये जो पॉइंट मिलेगा वो मिड पॉइंट मिल जाएगा, इसका नाम हमने डी दे रखा, ठीक है, डी दे दिया। अब इस डी वाले पॉइंट से लेकर के आप कौन सा रेडियस ले लेंगे, ए सी, ठीक है, सॉरी आप ए डी रेडियस ले लेंगे,
एडी का रेडियस ले लिया जाएगा, और जब एडी का आप रेडियस ले लेंगे तो इससे क्या करेंगे, एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर देंगे। एडी का रेडियस लेकर के एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर दिया जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर देंगे। तो सेमी सर्किल ड्रॉ करने के बाद में क्या काम हो जाएगा, अब मुझे इस पॉइंट पर, इस सर्किल पर एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो कितने सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का हो। तो 4 सेंटीमीटर का जो आपको पॉइंट चाहिए, वो हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग काम करेंगे यहाँ पे एक 90 का भी एंगल बनाना रहेगा, 4 सेंटीमीटर का काम होगा। तो इसके बाद में, ठीक है, इसके बाद में आप 4 सेंटीमीटर का, ठीक है, 4 सेंटीमीटर का एक क्या ले लिया जाएगा, एक ले लिया जाएगा रेडियस, ठीक है, 4 सेंटीमीटर का यहाँ से हम लोग रेडियस ले लेते हैं, ठीक है। आप देखेंगे ये 4 सेंटीमीटर का रेडियस है, और इस 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के कहाँ से मिला दिया जाएगा इसको, भैया हम कट कर लेते हैं, ठीक है, जो सेमी सर्किल था उसको कट कर लिया जाएगा। तो देखिए कट कर लिया, अब जो ये कट हो गए हैं इनको आप ज्वाइन कर दीजिए, इनको आप डायरेक्टली ज्वाइन कर दीजिए, किससे, इसको आप ज्वाइन कर दीजिए ए और सी से, इसका नाम दे दीजिए बी, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, ए और सी से। तो देखें ए और सी से इसको ज्वाइन कर दिया जाता है, ये आप देखें यहाँ ए से ज्वाइन कर दिया गया, और जो ये पॉइंट कट हुए थे वो हम किससे ज्वाइन कर देते हैं, सी से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, तो इस बी वाले पॉइंट को सी से ज्वाइन कर दिया गया। तो आप देखें कि जो यहाँ एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 90 का बनेगा। आप चेक कर सकते हैं, आप बनाने के बाद में कंपास से चेक कर सकते हैं। तो हमने जो लिया था यहाँ ये 7 सेंटीमीटर, इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और ये जो होगा वो 4 सेंटीमीटर का, इसका जो अदर साइड है, एक साइड है वो ले लिया जाएगा। अब आते हैं हम अगले कंस्ट्रक्शन की तरफ। स्टूडेंट जो देखते हैं अगला हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो भी राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन इस बार हाइपोटेन्यूज दिया गया है और साइड भी दिया गया है और एंगल भी दिया गया था। पिछली बार हाइपोटेन्यूज तो नहीं दिया गया था, लेकिन एंगल नहीं दिया गया था। 90 का एंगल जानते हैं, लेकिन 90 का एंगल दिया नहीं गया था। तो हम काम क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल में एंगल 90 का दे दिया गया है, इसलिए उसको अलग मेथड से लगाए थे, कुछ ना कुछ अलग मेथड यूज किए थे। और इसमें हमारा काम जो होगा वो सबसे पहली बात बेस एंगल को, बेस साइड को ड्रॉ कर लेंगे, जो इसमें दिया गया है इस ट्रायंगल, इस क्वेश्चन के अनुसार 3 सेंटीमीटर का, ठीक है, 3 सेंटीमीटर का उसका जो दिया गया है वो बेस साइड दिया गया है। तो बेस साइड हम 3 सेंटीमीटर का पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये देखें 3 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लिया गया, जिसका नाम इन्होंने दिया है बी और सी, तो हम भी नाम बी और सी दे देंगे। इसके बाद कह रहा है कि ए सी आपको ड्रॉ करना है और बी पर एंगल 90 बनाना है, यानी बी पर आपको 90 एंगल बनाना है। तो आपको पता है बी पर 90 एंगल बनाने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, कोई भी आप रेडियस लेकर के एक 90 का एंगल यहाँ क्रिएट कर दीजिए। देखिए कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, प्रोट्रैक्टर का तो यूज नहीं होगा, कंपास से करते रहेंगे। तो पहला हमारा ये जो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, इसके बाद में हम जो पॉइंट्स लिए हैं इसको कट करेंगे। पहला पॉइंट होगा 60 पे कट होता है, दूसरा पॉइंट 120 पे होता है। इन दोनों का आप अगर बाइसेक्ट आप कर देंगे, ठीक है, इन पॉइंट्स का आप बाइसेक्ट कर दीजिए, तो देखें ये हमने बाइसेक्ट कर रखा, ठीक है। अब बाइसेक्ट जैसे मैंने किया, वो जो एंगल बनेगा उसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये बनेगा 90 का एंगल। कितने का एंगल बनेगा, ये 90 का एंगल बन जाएगा। चलिए 90 का एंगल बना दिया, कुछ लाइन को प्रोड्यूस भी कर दिया, लेकिन कह रहा है कि जो आपको एसी लेना है वो 5 सेंटीमीटर लेना है। तो एसी 5 सेंटीमीटर, पहले हम अपने कंपास में 5 सेंटीमीटर की दूरी ले लेते हैं। तो देखें 5 सेंटीमीटर की जो दूरी ली जाएगी, जो लेंथ लिया जाएगा इस कंपास में, वो ये होगा, ठीक है, वो आप देखें ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जब 5 सेंटीमीटर ले लेंगे तो आपे पता है कि ये 90 का एंगल बना है, यहाँ जो बी पर बना है वो 90 का एंगल बना है, और इसके सामने वाली ही साइड हाइपोटेन्यूज होती है। तो हम लोग सी पर रखेंगे, कहाँ रखेंगे, अपने आर्क को, अपने सेंटर को सी पर रखेंगे, और आर्क जो लगाएंगे वो इस साइड को कट करेंगे जो हमने प्रोड्यूस किया था, जिसका नाम हम दे सकते हैं एपी, जो हमने बीपी लाइन प्रोड्यूस किया था ना, उस लाइन को हम कट करेंगे। तो जहाँ ये कट होगा इसका नाम दे दिया जाएगा ए दे दिया जाएगा, और इस ए को जो ज्वाइन कर देंगे वो सी से ज्वाइन कर देंगे, इस ए को सी से ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो देखिए ज्वाइन कर दिया गया, ठीक, लीजिए आप ज्वाइन कर दिए, ये हमने लिया 5 सेंटीमीटर,
यहाँ जो एंगल आप बनता हुआ देख रहे हैं वो 90 का बी पर बन रहा है, और 3 सेंटीमीटर हमने इसका लेंथ लिया था। तो कुछ इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा जबकि एंगल साइड और हाइपोटेन्यूज दिया गया हो। अब अगले कंस्ट्रक्शन को देखते हैं स्टूडेंट। अभी तक हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलस और आइसोसेलस और इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस कर लिया, किस तरीके से हम कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे, किस तरीके से किया जाता है। अब जो आपका है वो स्केलन ट्रायंगल है, और इस स्केलन ट्रायंगल में जो इसके साइड्स दिए गए हैं वो 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। देखिए आप कोई भी एक साइड ले लीजिए, आप कोई भी एक साइड ले करके और इसका निर्माण आप कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं जो हमारा लॉन्गेस्ट साइड है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, या आप कोई भी इसमें से साइड आप ले सकते हैं। हम जो ले रहे हैं वो लॉन्गेस्ट साइड ले रहे हैं जो कि 6 सेंटीमीटर है। चलिए 6 सेंटीमीटर यहाँ से सबसे पहले आप ड्रॉ करें, ठीक है। आप 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दें, नाम कुछ भी दे सकते हैं। मान लीजिए हमने नाम क्या दे दिया, ए बी दे दिया। अब आप लेंगे 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब आप इसमें 4 सेंटीमीटर का क्या ले लेंगे, कंपास में अपने रेडियस ले लेंगे, ठीक है। आप देखें ये 4 सेंटीमीटर का रेडियस ले लिया गया, और पॉइंट पर रखेंगे ए पर। ए पर रख करके यहाँ पर एक आर्क लगा दिया जाएगा, और फिर हम ले लेंगे 5 सेंटीमीटर का। अब हम 5 सेंटीमीटर का ले लेते हैं, तो 5 सेंटीमीटर का जो लिया जाएगा, ठीक है, वो आप देखें 5 सेंटीमीटर का यहाँ ले लिया जाता है, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, और इस 5 सेंटीमीटर को लेकर के ये कट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये कट कर दिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा, तो कट जब कर दिया जाएगा तो इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ ज्वाइन इसका नाम दे दें, इसका नाम सी दे देते हैं, ठीक है। इसका नाम आप सी दे दीजिए, और इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। किससे ज्वाइन करेंगे भैया, सी का नाम जब दिया है ना, तो ये सी को आप ज्वाइन कर दीजिए ए से, ठीक। और यहाँ से आप ज्वाइन कर दीजिए बी से, ठीक है। ये सी को जो पॉइंट्स मिले हैं कट करने के बाद में, आप उसको बी और ए और बी से ज्वाइन कर दें। तो देखेंगे ये आपने 6 सेंटीमीटर स्टार्टिंग में लिया, यहाँ जो आपने लिया था वो 4 सेंटीमीटर का ए से आपने जब रेडियस लेकर के कंपास एक आर्क लगाया था, और ये आपने 5 सेंटीमीटर पे लेकर के आर्क लगाया था। तो कुछ इस तरीके से एक क्या बन जाएगा आपको, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बन जाएगा। आइए अब अगले कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में 10 वाले में कह रहा है आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है, किसका, एक ट्रायंगल बनाना है जिसमें आपके पास दो एंगल दिए गए हैं, टू एंगल्स दिए गए हैं, और इनके बीच में बनने वाली साइड दे दी गई है। जो साइड इनके बीच में बनता है वो दे दिया गया है, और एंगल जो बनते हैं वो दे दिया गया है। तो जो इंक्लूडेड साइड आपका 5 सेंटीमीटर है, आप ड्रॉ कर लें सबसे पहले इस इंक्लूडेड एंगल का, जो 5 सेंटीमीटर का इनके बीच में एंगल दिया गया है उस एंगल को ड्रॉ कर लें। तो यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर का एक क्या कर लेते हैं, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन सेगमेंट आपका 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा, नाम दे दीजिए बी और सी। ये बी और सी 5 सेंटीमीटर का आपको दे दिया गया। अब कह रहा है इसमें आपके जो एंगल्स हैं वो 45 का बनाना है आपको और 60 का बनाना है। तो आप क्या काम कर लीजिए, आप 60 का बना दीजिए और 45 का बनाइए। तो यहाँ बी पर रख करके, ठीक है, बी पर रख करके हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, 90 का पहले बनाएंगे तभी तो बनेगा आपका 45। तो 90 का बनाने के लिए आप देखेंगे एक आर्क लगाएंगे यहाँ इस तरीके से, फिर इसके बाद में जो ये कट पॉइंट हुए हैं यहाँ से ज्वाइन करेंगे, ये आपको 60 का मिलेगा। 60 को एक बार और रख करके लगाएंगे तो इधर 120 का मिल जाता है। इन दोनों का हाफ जो होता है वो 45 का होता है, इन दोनों का हाफ जो होगा वो 45 का होगा। तो देखिए सॉरी, इन 45 नहीं, ये 90 का होगा, माफ़ी चाहते हैं, ये 90 का होगा। और जब 90 आप ड्रॉ कर लेंगे, जब 90 आप ड्रॉ कर लेंगे पहले, ठीक है, जब पहले आप 90 ड्रॉ कर लेंगे तभी आप उसको 45 के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तभी तो भैया बाइसेक्ट कर सकते हैं जब आपको 90 मिलेगा तब। तो अब 90 मिल गया, अब इसको बाइसेक्ट कर दीजिए यहाँ से रख करके, ठीक है। यहाँ से रख करके आप एक आर्क लगाएंगे ये जो यहाँ जाएगा, ठीक है, और जो 90 पर ये कट हुआ है इस पे आप पॉइंट ले लीजिए, ठीक है, यहाँ ले लीजिए, इसको कर दीजिए ज्वाइन, ठीक है। प्रीवियस आर्क को रह करके, क्योंकि हम भैया 90 को बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, तो एक पॉइंट यहाँ से 90 पे और एक जीरो से रख करके बाइसेक्ट करेंगे, 45 का मिल जाएगा। और 45 का मिलने के बाद आप इसको प्रोड्यूस कर दीजिए।
45 का जो मिल जाए वो पहले आप प्रोड्यूस कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए हमने प्रोड्यूस कर लिया। ठीक, अब 60 का एंगल बनाना है सी पे, क्योंकि 45 तो बन गया ना, अब 60 का बनाना है। 60 का आपको पता है कि यहाँ पर रख करके रेडियस ले लेंगे, पहला आर्क जो लगाया। ठीक है, यहाँ पर रख करके जो सेमी सर्किल ड्रॉ किया, और इसके बाद में जो हमने ये पहला एंगल, पहला हमने आर्क लगाया वो कितने का बनता है, 60 का बनता है। ये पॉइंट आपको मिला है, आप इसको ज्वाइन कर दीजिए और प्रोड्यूस कर दीजिए, ज्वाइन करके प्रोड्यूस कर दीजिए। तो देखेंगे ज्वाइन करके क्या कर दिया गया है, प्रोड्यूस कर दिया जाएगा। तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पर जो पॉइंट कट किया है, देखिए यहाँ पर ज़रूरत है, आप आगे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप आगे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर आपको ऐसा फील हो रहा हो तो। देख लीजिए यहाँ पर जो ए मिलेगा वो कितने का मिल जाएगा, वो अब एंगल से मुझे मतलब है, यहाँ 45 का मिल जाएगा और जो हमने ये लगाया है ये 60 का मिल जाएगा। तो आप ए बी सी जो ये ट्राइंगल आपको मिलेगा वो आपके रिक्वायर्ड ट्राइंगल होंगे जिसका आपको कंस्ट्रक्शन करना था। अब हम अगले क्वेश्चन को भी देखते हैं, कुछ अगला भी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। देखिए पिछले वाले को अभी वीडियो जो आपने देखा, क्वेश्चन देखा, उसमें आपके पास दो साइड नहीं दिया गया था, दो एंगल दिया गया था, एक साइड दिया गया था। इस बार आपके जो मिलेंगे, आपका जो कंस्ट्रक्शन ट्रायंगल करना है, वो दो साइड दिया गया है और उनके बीच में बनने वाला एक एंगल दिया गया है, उनके बीच में बनने वाला एक एंगल दिया गया है। तो हम कैसे काम करेंगे, देखें सबसे पहले पास आपके पास जो दो साइड दिए गए हैं उनमें से कोई एक साइड ले लीजिए। हमने ले लिया जो हमारा ग्रेटर साइड था, ठीक है, बड़ा वाला, इन दोनों में बड़ा जो था वो 6 सेंटीमीटर था। सबसे पहले हमने इसको बनाने के लिए, इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमने क्या ले लिया, 6 सेंटीमीटर पहले हमने दूरी ले ली, जिसका नाम हमने दे दिया बी और सी। ये जो है वो 6 सेंटीमीटर है। अब आपको एंगल बनाना है क्या, इन दोनों लाइन के बीच में जो 5 और 6 सेंटीमीटर है, इन दोनों लाइन के बीच में एंगल आपको 60 का बनाना है। तो 60 का बनाने के लिए पहले आप 60 का एंगल बना लीजिए, आसानी से आपके लिए काम हो जाएगा। 60 का एंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, एक हम लोग सबसे ऐसे सेमी सर्किल ड्रॉ करते हैं, छोड़ दिया इतने पे, काम हो जाएगा। और यहाँ पर जो ये बी सी को कट किया है, इस पर हम अपना पॉइंट रखते हैं, सेंटर रखते हैं, और सेंटर रखने के बाद में कोई सेम रेडियस लेकर के आर्क लगा देंगे। जो पहला कट होता है वो 60 का होता है, आपको पता है कि जो पहला कट होता है वो 60 का ही होता है। तो 60 का ये एंगल है, बन गया आपके पास। ठीक है, ये बन गया, अब इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, ये लीजिए आपको ज्वाइन हो गया। अब कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर का आपको लेना है। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर आप क्या ले लीजिए, इस कंपास में अपना ले लीजिए। ठीक है, कंपास में आप 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लीजिए। तो हमने ये लीजिए 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लिया। अब यहाँ बी पर रख करके, और जो हमने ये लाइन बनाया है, जो एंगल क्रिएट किया था, उसके रे को यानी उस साइड को जो यूज किया गया, उसको रख करके हम यहाँ कट कर लेंगे। कट करेंगे, इसका नाम दे देंगे ए। कितना लिया है, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर एंगल कितने का बनाया, यहाँ पे 60 का, 60 का एंगल बनाया, 5 सेंटीमीटर यहाँ लिया है। जहाँ ये कट हो रहा है इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, किससे, सी से ज्वाइन कर दीजिए। इस पॉइंट को आप सी से ज्वाइन कर दीजिए, तो आप देखेंगे ये सी से ज्वाइन कर दिया जा रहा है। ठीक है, ये तो कुछ इस तरीके से आपको ये, अगर दो साइड और उनके बीच में एक एंगल दिया गया हो, तो हम उस तरीके के क्वेश्चंस को भी बना सकते हैं। अब हमारी वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, जो आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन हमारा है। इस बार एक आपके पास ट्रायंगल दिया गया है, जिसके ट्रायंगल में दो साइड बी सी, यानी हमने नाम दे रखा है कि इस बार आपको ए बी सी ही ड्रॉ करना है, कोई दूसरा नहीं। बी सी आपका 4 सेंटीमीटर है, ए बी आपका 5 सेंटीमीटर है, और इनके बीच में जो मीडियन दिया गया है वो 3.5 सेंटीमीटर का है। मीडियन आपको 3.5 सेंटीमीटर का है। तो इसका कंस्ट्रक्शन हमें अब देखना है, देखिए किस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको जो करना रहेगा वो आप देखें, सबसे 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ये आपके साइड दिए गए हैं। हम कोई एक साइड को स्टार्ट करेंगे, हम साइड स्टार्ट करते हैं बी सी, आपका जो दिया गया है वो 4 सेंटीमीटर है, बी सी 4 सेंटीमीटर है, और इस 4 सेंटीमीटर को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर आपका ड्रॉ हो जाएगा, जिसका नाम लिख दिया जाएगा आपका बी सी। अब इसके बाद में इसको बाइसेक्ट कर लिया जाएगा। कुछ इस तरीके से बनाने के लिए ट्रायंगल क्या होगा आप देखेंगे।
तो ऐसा बनाने के लिए आप बीसी को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। बीसी आपने जैसे ड्रॉ किया, आप इसके बाद में आपको इनको बाईसेक्ट कर लेना है, ठीक है। आपको इनको बाईसेक्ट कर लेना है, तो हम बाईसेक्ट कर लेंगे, ठीक है। बाईसेक्ट कर लेते हैं। बाईसेक्ट करने के लिए आपको पता है, एक ऊपर से और एक नीचे से यहाँ आर्क लगाएंगे, ठीक है। बी पर रख करके दोनों तरफ, और ऐसे ही आप सी पर, और यानी बी और सी दोनों पर रख करके आर्क लगाया जाएगा। इसको देखिए, आप ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। इसको ज्वाइन कर दिया जाता है, ठीक। ये ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन करने के बाद में, ठीक है, ये ज्वाइन करने के बाद में आप देखेंगे कुछ इस तरीके से जो मिलेगा, ठीक है। यहाँ से 3.5 का कह रहा है, 3.5 का लेकर के बी आपको मीडियन लेना है, तो 3.5 आपका डिस्टेंस ले लीजिए, ठीक है। 3.5 डिस्टेंस आप अपने कंपास में ले लीजिए, ठीक है। ये देखिए हमने ले लिया, ठीक है, 3.5 का ये ले लिया जाएगा। तो यहाँ पर हम बी पर रख करके, क्योंकि मुझे जो मीडियन ड्रॉ करना है वो बी पर रख करके, हम 3.5 का एक यहाँ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ से ड्रॉ कर लिया जाएगा, 3.5 का होगा, ठीक है। हो सकता है आगे पीछे भी काम करना पड़े, तो 3.5 का। अब देखिए दूसरा मीडियन जो हम लोग ड्रॉ करेंगे, 3.5 का है दूसरा मीडियम। ऑलरेडी हमने ये 4 सेंटीमीटर तो हमने ये यूज कर लिया है ना, एक साइड दिया गया है, तो अब आपके पास 5 सेंटीमीटर बचा है। तो जब 5 सेंटीमीटर बचा है, तो इसका हाफ क्या होगा, ए बी का हाफ क्या होगा भाई। 5 का हाफ क्या होता है, 2.5 ही तो होता है, 2.5 होता है। 2.5 का डिस्टेंस आप ले लीजिए, 2.5 का डिस्टेंस ले लीजिए अपने कंपास में, 2.5 सेंटीमीटर, है ना। ये लीजिए, ये देखेंगे 2.5 का हमने ले लिया। इसी पॉइंट से जो ये पॉइंट कट किए हैं, ठीक है, यहाँ पर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है, ये आपने जो बी ड्रॉ करेंगे, ये बी के लिए, ये मीडियन के लिए है। लेकिन जो हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, वो हम 2.5 का लेकर के और ये ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ कट कर रहा है, अभी देखिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो गया ना, तो इसके लिए आपको इस लाइन को और प्रोड्यूस कर देना है, ठीक है। जो मेरा लाइन था, हमने 3.5 लिया था, उस 3.5 को हम थोड़ा सा और प्रोड्यूस कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ तक कट किया, तो ये जो पॉइंट आपको मिलेगा, ये जो पॉइंट हमने कट किया, ठीक है, ये जो मिलेगा वो किसका मिल जाएगा, ये जो हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। इसको हमने ज्वाइन कर ले लिया, लेकिन इसको हम थोड़ा सा डैश लाइन से ज्वाइन करते हैं, ठीक है। इसको हम डैश लाइन से ज्वाइन करते हैं, देखिए ये डैश लाइन ज्वाइन हो गया, ये मीडियन हमने डैश लाइन से ज्वाइन कर दिया, ठीक। अब देखें इसको हम प्रोड्यूस कर दिए, देखो प्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं, ये भी आपको अभी समझ में आएगा, ठीक है। देखिए बढ़ा दीजिए, जहां तक हो सके वहां तक बढ़ा दीजिए, प्रोड्यूस कर दिया। ये इसलिए किया गया है कि 5 सेंटीमीटर आपका मैच कहाँ होगा, ये 5 सेंटीमीटर जो आप करने जा रहे हैं वो कहाँ पर कट करेगा। तो अब हम 5 सेंटीमीटर का अपने इस कंपास में रेडियस ले लेंगे। अब 5 सेंटीमीटर का लिया जाएगा, जिससे कि, ठीक है, जिससे कि जो अब आपको ये जब मिल जाएंगे, और हम 20 से रख करके ये कट करेंगे 5 सेंटीमीटर का, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से जो आप देखेंगे वो आपको मीडियन से भी मिल जाएगा, यानी मीडियन जो आपको ड्रॉ करना है वो मीडियन भी आ जाएगा, ठीक है। ये आप 5 सेंटीमीटर भी आ गया, और जो आपको मीडियन ड्रॉ करना था बीई, ठीक है, इसको नाम दिया गया ई, तो ये जो बीई ड्रॉ करना था जो 3.5 सेंटीमीटर का था, वो भी आपका आ गया। हमने 1.2 जो लिया है वो इसलिए लिया है कि यहां से इसको हम ज्वाइन कर दें, और एक हमारे पास ट्रेंगल जो बन जाए, ठीक है, वो एक पॉइंट मिले, इंटरसेक्ट मिले, यानी ई पॉइंट ढूंढने के लिए हमने सबसे पहले 3.5 का लेकर के अर्क लगाया था, आपने देखा था आगे पीछे हो गया था। फिर हम यहां से रख करके जो बाईसेक्ट किए थे, उसमें 2.5 का लेकर के जो ए बी का हाफ होगा, 2.5 का लेकर के अर्क लगा दिया था, ठीक है। और अर्क जो लगाएंगे, अगर अब यहां से भी मैं इसको ड्रॉ करना चाहूं, अगर मैं चाहूं तो इसको यहां से ड्रॉ करना चाहूं ना, तो वो 2.5 ही होगा, क्लियर। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बारे में पढ़ा। स्टूडेंट वीडियो कैसा लगा, आपने कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा होगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।